पता है आज मंत्री जी फुर्सतगंज के नए पावर प्लांट का इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब फुर्सतगंज में पावर की कमी नहीं रहेगी। चलो बच्चों, मैंने पेस्ट्रीज बनाई हैं, कौन खाएगा? ओ दादाजी, खाना पीना जहाँ जहाँ, जिंटू भैया वहाँ वहाँ। दादाजी, 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 मैं सिर्फ आप पे ही भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए आप इस चिट्ठी को ध्यान से पढ़िए और कुछ करिए प्लीज। उन्हें मुझ पे शक है, इसलिए वो मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। चलो बच्चों, पेस्ट्रीज खा लो। कोई आदमी ये लेटर दे गया है, सुनो क्या लिखा है। मैं बचपन से फुर्सतगंज में रहा हूँ, इसलिए फुर्सतगंज की भलाई चाहता हूँ। मैं जिस आदमी के लिए काम करता हूँ, वो आज पावर प्लांट में सुबह 11 बजे जैसे ही मंत्री जी रिबन काटेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा और प्लांट को उड़ा देगा। प्लीज पावर प्लांट को बचा लीजिए। इस एनवलप के अंदर जो चिप है, उसमें उस आदमी की तस्वीरें और सारे डिटेल्स हैं जो ब्लास्ट करने वाला है। किसी पे भरोसा मत करिए। दादाजी, वो चिप कहाँ है? नीचे देखो, शायद एनवलप खोलते समय गिर गया हो। 11 बजने में सिर्फ आधा घंटा है, मैं पावर प्लांट जाता हूँ, तुम लोग उस चिप को ढूंढो। चिप ढूंढने की क्या जरूरत है दादाजी, जिंटू से बॉम्ब यहाँ मंगवा लेते हैं। नहीं इमली, बॉम्ब कई तरह के होते हैं, हो सकता है वो बॉम्ब हिलते ही ब्लास्ट हो जाए, इसलिए उस आदमी को ढूंढना जरूरी है। चलो इमली, तुम मेरे साथ चलो। जिंटू, हम एक माइक्रोचिप ढूंढ रहे हैं, इन सामानों के बीच में ही कहीं पड़ा होगा वो, जादू से उसे ढूंढो जल्दी। क्या कर रहे हो वीर, बचाओ! जिंटू, जादू बंद करो जल्दी। जी दादाजी। वीर, मंत्री जी आने वाले हैं, चिप मिली कि नहीं? चिप कहीं भी नहीं दिख रही। वीर, अपना एक्सरे विजन यूज करो, चिप किसी सामान के पीछे होगी तो दिख जाएगी। ओके इमली, मैं भी वही करने की सोच रहा था। वो चिप तुम्हारे दांतों के अंदर है, वहाँ कैसे गई? क्या पता, हो सकता है पेस्ट्री के साथ मुंह में चली गई हो। अभी निकालता हूँ चुटकी बजा के। मेरा जादू मेरे मुंह के अंदर असर नहीं कर रहा, अब क्या करूं? वीर जल्दी करो, मंत्री जी की कार आ रही है, सब गेट पर खड़े हैं। दादाजी, चिप मिल गई है, वो जिंटू के दांतों के अंदर है और वो उसे जादू से नहीं निकाल पा रहा। तुम कुछ भी करो, चिप जल्दी ढूंढो, तभी हमें उस आदमी का पता चलेगा जो ब्लास्ट करने वाला है। जिंटू, तुम हमें छोटा करके मुंह के अंदर भेज दो, हम जाके चिप ले आएंगे। अभी करता हूँ चुटकी बजा के। जिंटू, हमें चबा के खा मत जाना, मुझे तो डर लग रहा है। वीर, कितनी बुरी गंध आ रही है इसके मुंह के अंदर। जिंटू, तुम ब्रश नहीं करते क्या? मुंह में कितनी बैड स्मेल है। वो रही चिप उस दांत के अंदर। ये जिंटू के दांत में कितने जर्म्स हैं? ये बिल्कुल भी ब्रश नहीं करता, सिर्फ खाता ही रहता है। दोस्तों, वो देखो कोई अजनबी आए हैं,
खत्म कर दो उन्हें, ये हमारा इलाका है। इनकी इतनी हिम्मत, मैं अभी इन्हें ठीक करता हूँ। वीर मंत्री जी आ चुके हैं, जल्दी करो, चिप मिली कि नहीं? दादाजी चिप मिल गई है, लेकिन वो झिंटू के दांतों के अंदर है और वहाँ बहुत जर्म्स है, मैं उसे लड़ रहा हूँ। जर्म्स को मारने का सबसे अच्छा तरीका है किसी अच्छे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो। हाँ दादाजी, चुलबुल मैं झिंटू से टूथपेस्ट लेकर आता हूँ। जल्दी आओ, कहाँ चले गए मुझे इन शैतानों के बीच अकेला छोड़कर। वीर, काम हो गया। जिंटू तुम्हारे दांतों में बहुत जर्म्स है, रोज सुबह और रात में ब्रश करना जरूरी है, फिर एक भी जर्म्स नहीं होगा। दादाजी चिप मिल गई है, जल्दी आओ, मंत्री जी रिबन काटने ही वाले हैं। दादाजी एक मिनट। हेलो मम्मी, मम्मी मैं मंत्री जी के बगल में खड़ा रहूंगा, आप मुझे टीवी पर देखना। जिंटू जल्दी से हमें दादाजी के पास ले चलो। अभी लो चुटकी बजा के। ये कैसे हो गया, ये क्या जादू है? उप्स सॉरी बंटी। ये भी कोई तरीका हुआ आने का? दादाजी ये जिंटू कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है, चलिए देखते हैं वो आदमी कौन है। दादाजी इसका नाम टाइगर है, उसका नंबर एड्रेस सब कुछ है इसमें, चारों तरफ देखिए वो यहीं कहीं होगा। जी मैं उसे फोन करता हूँ, हर तरफ नजर रखिए और देखिए कौन फोन पर बात कर रहा है। मंत्री जी आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा देर रुकिए, शुभ मुहूर्त में कुछ समय बाकी है। हेलो कौन? वैसे तो हम आपके कुछ नहीं लगते, नाम है वी। छोड़ो मुझे, बचाओ, हेल्प हेल्प, अरे कोई है। बम कहाँ है और कैसे ब्लास्ट होगा जल्दी बताओ। बम प्लांट में है और वो उस रिमोट से ब्लास्ट होगा। जिंटू बम यहाँ ले आओ। ये क्या जादू है, ये कैसे हो गया? दादाजी बॉम्ब का रिमोट हमारे पास है, अब कोई खतरा नहीं। मंत्री जी पावर प्लांट का शुभ मुहूर्त करें प्लीज।
अगड़म बगड़म आलम फालम या तुम्हारी खो जाए, जो कुछ देखा तुमने अब तक या तुम्हें ना कुछ आए। जाओ अपने गांव में जाके खेती बाड़ी करो। जिंटू रोज सुबह और रात दो टाइम ब्रश किया करो, फिर तुम्हारे दांतों में एक भी जर्म्स नहीं रहेंगे। हाहाहाहा